अगली खबर आ रही है गुना से, जहां प्रधानमंत्री गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान गुना विधायक देश और प्रदेश की जनसंख्या गलत बता गए। उन्होंने देश की जनसंख्या 1,40,00,000 बताई, वहीं प्रदेश की जनसंख्या 40 करोड़ बताई। वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4.51 लाख लोगों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। शहर से 8 किलोमीटर दूर गादेर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें लाभान्वितों सहित ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाओं का नाम रखती थी, जैसे पहले आवास योजना को इंदिरा आवास योजना का नाम दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है, एक चाय बेचने वाला भी पीएम बन सकता है। भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रखा। आज चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने स्टेशन पर चाय बेची है। आज भी उनका परिवार फुटपाथ पर गुमटी लगाकर अपना व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने कभी परिवार से मोह नहीं रखा। उनका परिवार है 1,40,00,000, ऐसा 1 करोड़ से ऊपर ही है, वो पूरा परिवार है हमारे देश के प्रधानमंत्री का। इसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 40 करोड़ जनसंख्या की सेवा कर रहे हैं। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर में 4.51 लाख नागरिकों को गृह प्रवेश कराया गया। गुना जिले में 5,074 नागरिकों को गृह प्रवेश कराया गया। यह घर 1 अप्रैल 2022 से अब तक बने हैं। इसके अलावा 2016 में योजना लागू होने से अब तक जिले में लगभग 55,000 पीएम आवास बनाए जा चुके हैं। गादेर में आयोजित कार्यक्रम के बाद गांव में कुछ हितग्राहियों को भी गृह प्रवेश कराया गया। उनका परिवार है 1,40,00,000, ऐसा 1 करोड़ से ऊपर ही है। उनकी माता जी भी है, लेकिन कभी परिवार से मोह नहीं रखा। उनका परिवार है 1,40,00,000, ऐसा 1 करोड़ से ऊपर ही है। वो पूरा परिवार है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब आज 40 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।